गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट किया जाए। सो एस्टरडे इन प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडिंग इंटीग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, 1.5 आवर्स का। उसमें वी हैव सॉल्व अबाउट 25 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑन इंटीग्रेशन। सब बेसिक क्वेश्चंस थे एंड होप यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले दैट वी हैव डिस्कस एस्टरडे। यस और नो? तो चलो एक काम करते हैं, एट द बिगिनिंग मैं उसी फॉर्मूले पे कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है बच्चों? तो राइट डाउन आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज हाउ मच? इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन ax प्लस बी इज हाउ मच? तो इट कैन बी रिटन एज 8 into इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी डी एक्स, करेक्ट और नॉट? तो इट इज 8 into लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए प्लस सी इज आंसर। काम करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। बताओ जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे तो वापस क्वेश्चन आना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आंसर आया था? 8 डिवाइडेड बाय a लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे एंड अगर वो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो अगर आंसर आया तो हम करेक्ट है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 8 बाय a कॉन्स्टेंट है एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन f(x), तो 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू एफ डैश एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, तो दिस इज a कैंसल, तो आंसर इज 8 अपॉन ax प्लस बी, 8 अपॉन ax प्लस बी, करेक्ट और नॉट? तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन था उसका एक आंसर बनाया हमने एंड जो आंसर का डेरिवेटिव मैंने वापस निकाला तो आई हैव गॉट बैक द क्वेश्चन, करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ - 3x² + 8x + 13 dx। चलो बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ - 3x² + 8x + 13 dx। बताओ, तो इसका आंसर इज 5x⁴ / 4 -3x³/3 + 8x² / 2 + 13x + c, करेक्ट? जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव ले लो, वापस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, करेक्ट? तो दिस इज 5x⁴ / 4 -x³ + 4x² + 13x + c, करेक्ट है? अगर आपको ये भी क्रॉस चेक करना है तो जो आंसर आया बच्चों, जो आंसर आप लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ में, जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव लेते, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आंसर आया था? 5x⁴ / 4 -x³ + 4x² + 13x + c का डेरिवेटिव। चलो 5/4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x⁴ इज 4x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x² + 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x + 13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, सो दिस इज 4 कैंसिल हो गए, सो इट इज 5x³ - 3x² + 8x + 13 + 0। तो देखो वापस हमें क्वेश्चन मिल गया जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन था उसका आंसर आया हमारा, आंसर का डेरिवेटिव हमने देखा तो वी हैव गॉट बैक द क्वेश्चन, आंसर का डेरिवेटिव देखा तो वी हैव गॉट बैक द क्वेश्चन, करेक्ट और नॉट? थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5 का पावर 13x + 20 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 का पावर 13x + 20
डी एक्स, दैट इज ए का पावर पी एक्स प्लस क्यू, फॉर्मूला पता है हमें, तो इसका आंसर विल बी 5 का पावर 13x प्लस 20 डिवाइडेड बाय लॉग 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 13x प्लस 20 प्लस सी, करेक्ट इज द आंसर. तो इट इज 5 का पावर 13x प्लस 20 डिवाइडेड बाय लॉग 5 एज इट इज, एंड 13x प्लस 20 का डेरिवेटिव इज 13, तो दिस इज 13 log 5 प्लस सी, करेक्ट और नॉट. अगर हमें ये भी क्रॉस चेक करना है बच्चों, तो समझो मुझे क्रॉस चेक करना है, तो जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आंसर आया था, 5 का पावर 13x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 13 log 5 प्लस सी का डेरिवेटिव निकल के देखते हैं हम लोग. तो बताओ ये 5 का पावर 13x प्लस 20 का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो ये 13 वन अपॉन 13 log 5 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा. टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव 5 का पावर 13x प्लस 20, तो इट इज एज गुड एज a का पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव. a का पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है a का पावर f ऑफ x इनटू log a इनटू f - x, तो इट इज 5 का पावर 13x प्लस 20 इनटू log 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 13x प्लस 20 दैट इज 13, तो ये 13 log 5 13 log 5 कैंसिल, एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट ऑब्वियसली प्लस 0 ही था वो, तो आंसर ऑफ दिस इज 5 का पावर 13x प्लस 20. आप देख सकते हो वापस क्वेश्चन मिल गया, 5 का पावर 13x प्लस 20, यस और नो, कुछ गया बच्चों दिमाग में? चलो फोर्थ क्वेश्चन करना है सॉल्व. फोर्थ क्वेश्चन राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 8x प्लस 20 माइनस e का पावर 7x माइनस 13, e का पावर 7x माइनस 13 प्लस 8x माइनस 35k dx. चलो बताओ करोगे, लिख रहे हो मेरे साथ साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 8x प्लस 20 माइनस e का पावर 7x माइनस 13 प्लस 8x माइनस 35k dx. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 8x प्लस 20 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 7x माइनस 13 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 35k dx, करेक्ट और नॉट. सो दिस इज 1 अपॉन 8x प्लस 20 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 8x प्लस 20 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 8x प्लस 20 व्हिच इज इक्वल टू 8, डेरिवेटिव ऑफ 8x प्लस 20 व्हिच इज इक्वल टू 8 माइनस e का पावर 7x माइनस 13 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 13 इज 7 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 8x इज 8x स्क्वायर बाय 2 माइनस 35kx, क्योंकि 35k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट kx होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 35k इज 35kx प्लस c, तो होता ही है, करेक्ट और नॉट. एट द मोस्ट वो 8 डिवाइड बाय 2 जो आया है, 8 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर, उसको आप 4x स्क्वायर कर सकते हो, बाकी तो कोई आंसर में चेंज नहीं होने वाला, करेक्ट और नॉट. यस और नो, यू कैन राइट इट एज इट इज 1 बाय 8 log of 8x plus 20 minus 1 by 7 e ka power 7x minus 13 plus 4x square minus 35kx plus c. plus minus में तो straight हम integration separate out कर सकते हैं, yes or no. तो देखो बच्चों ये कल का ही practice ले रहा हूँ, हो सकता है कि अब आपको थोड़ा और confidence आए, समझ रहा है नहीं लगता है, कभी कभी क्या होता है कल के लेक्चर में लगा होगा कि नहीं सर ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो अब देखो और कंफर्टेबल हो गए इसमें हम. कोई भी चीज़ को कंफर्टेबल करने के लिए, करेक्ट, और हम उसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए इनफैक्ट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 7 माइनस 8x क्यूब माइनस 33x स्क्वायर
प्लस टू एक्स प्लस 19 डीएक्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दो। इंटीग्रेशन ऑफ, तो दिस इज 3 एज इट इज एक्स का पावर 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 8 एज इट इज एक्स का पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 33 एज इट इज एक्स का पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 एज इट इज एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 प्लस 19x प्लस सी। स्टेट एक लाइन में आंसर, करेक्ट और नॉट। तो इट इज 3 बाय 8 एक्स का पावर 8 माइनस 2 एक्स का पावर 4 माइनस 11 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 19x प्लस सी। एंड अभी भी आप देख करो, देखो जो आंसर आया हुआ है वो आंसर का डेरिवेटिव निकाल के देखो, आप आंसर का डेरिवेटिव निकाल के देखो, यू विल गेट बैक द क्वेश्चन, यू विल गेट बैक द क्वेश्चन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, यस और नो। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 7x माइनस 20, ई का पावर 7x माइनस 20 प्लस 8 का पावर 2x माइनस 1, 8 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 35x प्लस 35x dx। चलो बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बताओ इसका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 7x माइनस 20 प्लस 8 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 35x dx, इसका फाइनल आंसर आप बताओगे। चलो हो गए सॉल्व आपसे, तो बताओ इसका आंसर इज इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 7x माइनस 20 डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 का पावर 2x माइनस 1 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 35x डीएक्स। तो प्लस माइनस में हम इंटीग्रेशन सीधा सीधा सेपरेट दे सकते हैं, तो इट इज ई का पावर 7x माइनस 20 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 20 इज 7 प्लस 8 का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लॉग 8 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 इज 2 माइनस दिस इज लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 प्लस 35 as it is x square by 2 plus c, correct है? इसका simplified version can be 1 by 7 e का power 7x minus 20 plus 1 upon 2 log 8 8 का power 2x minus 1 minus log of x minus 1 divided by derivative of x minus 1 is 1 minus 0, that is 1 only, plus 35 by 2 x square plus c, 35 by 2 x square plus c. Hope you understood this, yes or no? Kuch ja raha hai phir dimag mein? So this was the answer for 6th question. Next 7th question, karna hai bachcho solve, karna hai ke solve, write down.
इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 बाई 2 माइनस 2x का पावर 9 बाई 2 dx. करें सॉल्व. इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 बाई 2 माइनस 2x का पावर 9 बाई 2 dx. तो इसका आंसर आएगा x का पावर 7 बाई 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 9 बाई 2 dx. करेक्ट है. तो बता x का पावर 7 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा. x का पावर 7 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 x का पावर 9 बाई 2 का इंटीग्रेशन. x का पावर 9 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 बाई 2 प्लस 1 प्लस c. करेक्ट और नॉट. सो दिस इज x का पावर 7 बाई 2 प्लस 1 इज 9 बाई 2. तो x का पावर 9 बाई 2 डिवाइड बाय 9 बाई 2 माइनस 2 x का पावर 9 बाई 2 प्लस 1 इज 11 बाई 2 डिवाइडेड बाय 11 बाई 2 डिवाइड बाय 11 बाई 2. करेक्ट और नॉट. सो दिस कैन बी या प्लस c, तो वो तो लिखना ही है प्लस c आगे. करेक्ट और नॉट. अगर इसका सिंप्लीफाई करना है और तो इट कैन बी 2 बाय 9 एक्स का पावर 9 बाय 2 माइनस 4 बाय 11 एक्स का पावर 11 बाय 2 प्लस c. ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 कॉमन आ सकता है बाहर. दैट्स इट. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस. यस और नो. कुछ गया दिमाग में. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स डीएक्स. रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स डीएक्स. ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए बच्चों. रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स डीएक्स. करें सॉल्व. सो दिस इज एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस x टू द पावर 1 बाय 3 dx. क्यूब रूट ऑफ x मतलब x का पावर 1 बाय 3. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 बाय 3 dx. सो x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. सो दिस x का पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस x का पावर 1 बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c. सो x का पावर 1 बाय 2 प्लस 1 आता है 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 प्लस x का पावर 1 बाय 3 प्लस 1 इज 4 बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 प्लस c. सो आंसर ऑफ दिस इज 2 बाय 3 x का पावर 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 एक्स का पावर 4 बाय 3 प्लस सी. जो आंसर आया है उसका तुम डेरिवेटिव ले लो, वापस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. करेक्ट. सिंपल हमने फॉर्मूला यूज कर लिया यहां पे. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी. इससे ज्यादा मैं बेसिक्स और क्या बताऊं यार. समझा सबको. कल हमने मैंने जो शुरुआत में आपको 11 फॉर्मूले लिख के दिए थे बहुत बेसिक, वो आपको वापस रिवाइज करना है. करेक्ट और नॉट. एंड अभी जो मैंने क्वेश्चंस ले रहा हूँ अभी मैं ये इनफैक्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए मैंने, वो सब उसी बेसिस पे थे. यस और नो. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. राइट डाउन. इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस 11 का पावर 13 डीएक्स. 10x माइनस 11 का पावर 13 डीएक्स. करे सॉल्व. इट इज ax प्लस b का पावर n. वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. ax प्लस b का पावर n. सो आंसर ऑफ दिस विल बी 10x माइनस 11 का पावर 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू
डेरिवेटिव ऑफ 10x माइनस 11 प्लस सी, करेक्ट है बच्चों? तो आंसर ऑफ दिस इज 10x माइनस 11 का पावर 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10 दैट इज 140 प्लस सी। समझा सबको ये? यस और नो? आंसर का तुम डेरिवेटिव ले लो, वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। आंसर का डेरिवेटिव ले लो, तुम डेरिवेटिव तो तुम फाइंड कर सकते हो, वापस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। समझा सबको ये? टेंथ क्वेश्चन, राइट डाउन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 4 प्लस 9 अपॉन 4x माइनस 13 dx, करो सॉल्व। टेंथ क्वेश्चन आपके सामने है। टेंथ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है, अगर कुछ रह गया है तो कॉपी कर लो। एंड टेंथ क्वेश्चन भी आपके सामने है, मेरे ख्याल से इसका भी आंसर एक लाइन में आना चाहिए। टेंथ क्वेश्चन कर लो प्लीज सॉल्व। सो आंसर ऑफ दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस वन प्लस एट लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4 प्लस 9 लॉग ऑफ 4x माइनस 13 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 13 प्लस सी, इज आंसर। सो इट कैन बी लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय डेरिवेटिव x माइनस 1 इज 1 माइनस 5 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 लॉग ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 लॉग ऑफ 4x माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। जो आंसर आया हुआ है उसका डेरिवेटिव तुम लो, वापस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, करेक्ट? तो कंफर्टेबल विद दीज बेसिक क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो आज हम देखने वाले इंटीग्रेशन में एक और मेथड जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट? और इसको हम मेथड ऑफ चेंज इन वेरिएबल ऐसा बोलते हैं। मेथड ऑफ चेंज इन वेरिएबल, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ चेंज इन वेरिएबल, लिखो आप। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ चेंज इन वेरिएबल, तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, सब लोग आप अच्छे से ध्यान दो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, राइट डाउन।
इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स डीएक्स, डिवाइड बाय एक्स डीएक्स। तो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा आपको अभी जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको क्या दिखेगा, एक फंक्शन दिखेगा एंड उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में दिखेगा, उधर ही आपको क्वेश्चन में दिखेगा। जैसे लॉग एक्स यहाँ पे है, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ पे वो डिवाइड बाय एक्स है, मतलब वो 1/x ही है। तो कैसे सॉल्व करते, ध्यान दो, थोड़ा दो तीन क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये टफ जा रहा है, बट बहुत सिंपल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं ले लिया लॉग एक्स इज इक्वल टू, तो जो क्वेश्चन है उसको हम आई बोलते हैं। अभी क्वेश्चन जो है आई इज इक्वल टू, मतलब हमें आई का आंसर फाइंड करना है। तो सपोज लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो नाउ लॉग एक्स इज इक्वल टू टी है, तो टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेल मी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेल मी, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, 1/x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dt by dx। तो यहाँ पे अब स्टेट अप आप ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इट इज dx इज इक्वल टू एक्स डी टी, ऐसे आप बोल सकते हो। dx इज इक्वल टू, घबरा मत, ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है, dx इज इक्वल टू एक्स डी टी, ऐसा बोल सकते हो आप, dx इज इक्वल टू एक्स डी टी, करेक्ट है। तो अब बताओ, ये जो क्वेश्चन था i इज इक्वल टू बोलो log x, तो log x की जगह आई कैन राइट t का पावर 7 डिवाइडेड बाय x, t का पावर 7, log x की जगह t लिखा मैंने, डिवाइड बाय x, एंड dx की जगह मैं लिख रहा हूँ x dt, dx की जगह क्या लिखा मैंने, x dt। तो टेल मी माई फ्रेंड्स, वेदर इज x x कैंसिल, तो i इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या हुआ, t का पावर 7 dt, तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन तो है ही, करेक्ट और नॉट, t का पावर 7 dt, करेक्ट और नॉट, i इज इक्वल log x, log x की जगह मैंने t लिखा, t का पावर 7 डिवाइड बाय x एज इट इज लिखा, dx की जगह x dt लिख दिया, करेक्ट और नॉट। तो अब बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, t का पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c इज आंसर फॉर दिस। एंड अब बताओ, t इज इक्वल टू क्या था, log x, तो इट इज log x का पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, log x का पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस c इज आंसर फॉर दिस। जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, आपको वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आंसर इज log x का पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस c। क्रॉस चेक करते हैं, हमारा आंसर जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं एंड देखते वापस क्वेश्चन आता है क्या। तो डेरिवेटिव ऑफ आंसर क्या था, आंसर log x का पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस c। तो अब बताओ, log x का पावर 8 मतलब f ऑफ x का पावर n का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर इज ये 1/8 तो कांस्टेंट है एज इट इज। टेल मी, f ऑफ x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इनटू दैट इज 8 इनटू log x का पावर 8 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये 8 कैंसिल हुआ, तो इट इज log x एंड प्लस ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट तो जीरो होता है, तो 8 कैंसिल हुआ, तो इट इज log x का पावर 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज log x का पावर 7 डिवाइडेड बाय x, log x का पावर 7 डिवाइडेड बाय x। ऐसा नो कुछ गया दिमाग में, तो देखो बच्चों, जब भी इस मेथड से कब क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में ही एक फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव भी उधर ही है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में log x था एंड ऑब्वियसली डिवाइड बाय x था, मतलब 1/x था यहाँ पे, यू कैन सी दिस क्वेश्चन वाज 1/x इनटू log x का पावर 7, तो log x का डेरिवेटिव 1/x भी था उधर, करेक्ट और नॉट, तो यू हैव टू यूज दिस मेथड। चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा लगेगा। अब जैसे देखो, कल के क्वेश्चन कल आपको थोड़ा टफ लगे थे, आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए, वापस आपका आसान हो गया काम, सेम इसके रिलेटेड भी होगा। सेकंड क्वेश्चन राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस x का पावर माइनस n डीएक्स, 2x प्लस x का पावर माइनस n डीएक्स, करो कोशिश तो कर लो आप।
काम करते हैं, सबसे पहले तो ये बेसिक ही सॉल्व करते हैं. वन अपॉन, सो दिस इज 2x प्लस वन अपॉन x का पावर n dx. x का पावर माइनस n मतलब वन अपॉन x का पावर n. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टू इंटू एक्स का पावर x इंटू एक्स का पावर वन. सो दिस इज x का पावर n प्लस वन, प्लस वन डिवाइडेड बाय x का पावर n dx. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का पावर n प्लस वन प्लस वन dx. तो अब बताओ बच्चों, यहां पे x का पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आता है? n प्लस वन इंटू एक्स का पावर n. तो वील पुट सपोज t इज इक्वल टू x का पावर n प्लस वन, t इज इक्वल टू x का पावर n प्लस वन, समझ रहे है? तो अब बताओ बच्चों, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा? n प्लस वन इंटू एक्स का पावर n प्लस वन माइनस वन. सो दिस इज dt बाय dx इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू एक्स का पावर n, करेक्ट है? देयरफॉर वी कैन से dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय dx उधर गया, dt डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू एक्स का पावर n. तो यहां तक प्रूव हुआ बच्चों. एंड अब एक देखो, ये जो क्वेश्चन था वापस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहां से क्वेश्चन में वापस लिख रहा हूं अभी, प्लीज ध्यान दो यहां से आगे. ओके, तो i इज इक्वल टू बोलो x टू द पावर n एज इट इज, x टू द पावर n एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का पावर n प्लस वन मतलब 2 t प्लस वन एज इट इज इंटू dx की जगह आई राइट डी टी डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू एक्स का पावर एन. तो टेल मी वेदर दिस इज एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन कैंसल. तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू टी प्लस वन इंटू एन प्लस वन डी टी. तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू टी प्लस वन? इट इज लॉग ऑफ टू टी प्लस वन. लॉग ऑफ टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ टू टी प्लस वन इज टू. डेरिवेटिव ऑफ टू टी प्लस वन इज टू, करेक्ट और नॉट? प्लस सी. होप यू अंडरस्टूड दिस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एन प्लस वन प्लस सी. तो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बोलो बच्चों, टू टी, तो टू टी की जगह क्या था? एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू एन प्लस वन प्लस सी इज द फाइनल आंसर. फाइनली हमने टी की जगह, जो भी हमने टी की जगह एक्स का पावर एन प्लस वन लिखा था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड में, करेक्ट है? सो दिस इज द आंसर. देखो आराम से लिख के लो, मैं एक मिनट वेट करता हूँ एंड धीरे धीरे सब समझेगा. आपको लगता है नहीं सर थोड़ा सा टफ जा रहा है, तो टफ तो जाएगा नहीं शुरुआत में. तो आंसर ऑफ दिस इज वन अपॉन योर लॉग ऑफ टू एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाय टू इंटू एन प्लस वन प्लस सी. चलो यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन देता हूँ जिनका ये कंप्लीट हुआ है उनके लिए. इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस सिक्स
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 3/2 dx। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, आप प्लीज ट्राई कर लेना बाय दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 3/2 dx। करें सॉल्व। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 का अगर आप डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 3, एंड ऊपर अगर न्यूमरेटर में आप 2 कॉमन लोगे तो भी ब्रैकेट में 2x माइनस 3 रहेगा। तो हियर विल पुट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो सपोज टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, देयरफॉर डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2x माइनस 3। तो बताओ जो क्वेश्चन था उसको हम i मानते हैं, इज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या था 4x माइनस 6, तो उसमें 2 कॉमन लो तो क्या रहेगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 वो तो t है, तो इट इज t का पावर 3/2 इंटू dx की जगह आई विल राइट dt डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। तो देखो ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कैंसिल हुआ। सो दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ 2t का पावर माइनस 3/2 dt, करेक्ट और नॉट? तो आंसर ऑफ दिस इज 2, तो कांस्टेंट है बाहर, इंटू t का पावर माइनस 3/2 प्लस 1, माइनस 3/2 प्लस 1 इज माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2, माइनस 3/2 प्लस 1 इज माइनस 1/2, करेक्ट, प्लस सी। सो अगर 1/2 को ऊपर लोगे आप तो वो इधर माइनस 4 बन जाएगा, इंटू टी का पावर 1/2 मतलब इंटू 1 अपॉन टी का पावर 1/2 यू कैन से प्लस सी। तो आंसर ऑफ दिस कैन बी माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट टी प्लस सी। तो इट कैन बी माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट टी की जगह उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 प्लस सी, फाइनल आंसर। सो दिस व्हाट इज आंसर, माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 प्लस सी। तो अंडर रूट टी आया था, टी की जगह हमने फाइनली x लिख दिया, समझता है? फिर एक पर्टिकुलर ट्रिक है, उसके बाद में ये बहुत सिंपल लगेगा आपको, समझ रहे आपको ये? कुछ जा रहा है बच्चों दिमाग में पक्का? चलो एक काम करते हैं, और कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं ट्वेल्थ के बुक से। ओके, जो ट्वेल्थ के बुक में एक्सरसाइज 5.2 बोल के दिया हुआ है, हम सॉल्व कर लेते हो सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो यहां तक समझा है बच्चों कुछ? सब क्वेश्चंस लिख के ले लिया आपने, तो राइट डाउन। ओके, तो यहां का नंबरिंग कंटिन्यू करता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डीएक्स। अब तुम्हें ट्राई करना है, मैं हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम दूंगा आपको, एक मिनट का सॉल्व करने के लिए, उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
आप ट्राई करोगे तो एक बार गलती होगा, दो बार नहीं समझेगा, तीन बार नहीं समझेगा, चार बार नहीं समझेगा, बट समझना चालू होगा। बट आप ट्राई नहीं करोगे तो जिंदगी भर आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन का साइन मतलब मेरा दुश्मन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये मैं कुछ 12th के बुक से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2 इसका नाम है। सो सपोज टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, वो x के साथ कैंसिल हो सकता है। देयर फोर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 2x। देयर फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2x। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2x। तो आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन मतलब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एज इट इज इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी था, इंटू डी एक्स की जगह आई राइट डी टी बाय 2x, डी टी बाय 2x। तो ये x x कैंसिल हुआ, सो दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज वो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी मतलब टी का पावर 1/2 डी टी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2 इंटू टी का पावर 1/2 + 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी, करेक्ट है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू, ये जो नीचे 3/2 है वो ऊपर आके 2/3 हुआ, इंटू टी का पावर, एंड टी क्या है बोलो, टी इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 प्लस सी, करेक्ट है। तो आंसर ऑफ दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कर लेना पहले। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4 डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर 4 डीएक्स। आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, इसकी वजह से क्या कैंसिल होगा, आएगा दिमाग में बराबर। इसके लिए कोई ऐसे रूल नहीं बता सकता मैं आपको, हर क्वेश्चन पे देख के आपको डिसाइड करना है। अब 1 प्लस एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 4 एक्स क्यूब, 4 एक्स क्यूब ऊपर एक्स क्यूब है, समझा होगा आपको। करो करो ट्राई करो फिफ्थ क्वेश्चन। चलो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। सपोज टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 4, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 4 एक्स क्यूब, 0 प्लस 4 एक्स क्यूब। देयर फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय 4 एक्स क्यूब, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय 4 एक्स क्यूब। Therefore, question is I is equal to integration of x cube as it is divided by this is under root t dx की जगह I'll write dt divided by 4 x cube। तो ये x cube cancel।
सो दिस इज 1/4 बाहर आ सकता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/√t मतलब t का पावर -1/2 dt. सो दिस इज 1/4 -1/2 + 1 क्या आता है 1/2 तो t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + c. तो ये 1/2 को ऊपर ले लो तो 2/1 हो जाएगा तो इट इज 1/4 इंटू 2/1 इंटू टी का पावर 1/2 + c. सो दिस इज 1/2 टी की जगह आई विल राइट 1 + x का पावर 4 का पावर 1/2 + c. दिस कैन बी रिटन एज √1 + x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 + c. कैन बी द आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर 5th क्वेश्चन. देखो अगर आपसे आया रहेगा तो मैंने टाइम दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन करना है आपको सिर्फ प्रॉपरली. 6th क्वेश्चन में देता हूं. अब देखो ये सॉल्व होता है कि आपसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स. देखो हुआ तो कर रहे हो सॉल्व, ट्राई तो किया करो यार. क्वेश्चन में आपको दिखता है कि एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उधर ही है, ऐसा दिखा आपको, आपका काम हो गया. चलो सॉल्व करते हैं. सपोज सपोज टी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स. सपोज इसको ले लेते हैं हम लोग, तो बोलो डी टी बाय डी एक्स क्या आएगा. तो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई का पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन. सो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इज डी टी बाई डी एक्स. देयर फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स. करेक्ट है. तो चलो मैं क्वेश्चन वापस लिखता हूँ अभी. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी वेदर दिस इज ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स एज इट इज. अगला ब्रैकेट ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स वो तो टी है तो इंटू टी इंटू डी एक्स की जगह आई राइट डी टी डिवाइडेड बाय ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स. सो दिस इज कैंसल्ड माय फ्रेंड्स, करेक्ट और नॉट. तो आई इज इक्वल टू क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ t
डी डी टी. तो आंसर ऑफ दिस इज टी स्क्वेयर बाय टू प्लस सी. करेक्ट और नॉट? तो टी क्या है? हाँ बोलो. ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू प्लस सी इज द आंसर. यस और नो? ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर डिवाइड बाय टू प्लस सी इज द आंसर. कुछ गया दिमाग में? तो ये सिक्स क्वेश्चन का आंसर था. चलो मैं सेवंथ क्वेश्चन लिख रहा हूं, एटलीस्ट वो सॉल्व करो अभी. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डीएक्स. एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डीएक्स. करो सॉल्व अभी, ये सेवंथ क्वेश्चन कर लो, ट्राई तो कर ही सकते हो आप. कर रहे हो क्या ट्राई? तो एक काम करते हैं, विल राइट दिस एज, लेट्स से क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन अपॉन ई का पावर एक्स डी एक्स. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इट इज एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स डी एक्स. सो आई इज इक्वल टू इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into x plus 1 divided by x into e to the power x plus 1 dx. समझ रहा है आपको ये? तो काम करते हैं अब यहां पे. सपोज x into e to the power x plus 1 is equal to t. तो taking derivative on both the sides dt by dx. तो यहां पे x इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव, मतलब आपको u इंटू v अप्लाई करना पड़ेगा. तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 है. सो dt बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे अगर e टू द पावर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1. देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस वन. समझा बच्चों? तो चलो मैं वापस यहां पे क्वेश्चन में आ रहा हूं. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन.
एंड ये एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वन इज टी, एंड डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ डी टी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन. तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन ये कैंसिल हुआ. सो क्वेश्चन इज एज गुड एज, ओके क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी डी टी. तो आंसर ऑफ दिस इज लॉग टी प्लस सी, लॉग टी प्लस सी. तो आंसर ऑफ दिस इज लॉग ऑफ टी की जगह मैं लिख देता हूं एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वन प्लस सी. टी की जगह उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड में वापस. कोई मुश्किल काम है क्या बच्चों? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है. अगर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे एंड क्वेश्चन को देखते बैठे तो कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है कैलकुलेशन, है कि नहीं? अब e टू द पावर माइनस एक्स मतलब वन अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये तो आप जानते ही हो ना, यस और नो? सो दिस इज द आंसर फॉर सेवंथ क्वेश्चन. चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, एट क्वेश्चन. अब एटलीस्ट ये ट्राई करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का पावर सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स. करो सॉल्व. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का पावर सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री सो दिस इज द एट क्वेश्चन. अब करो सॉल्व. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का पावर सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स. कर लो, ट्राई कर लो, नहीं आया ठीक है ना, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं ना. करे सॉल्व. तो यहां पे सपोज टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस जीरो, करेक्ट और नॉट? देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आप बोल सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसे आप बोल सकते हो. एंड एज टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू था, देयरफॉर यू कैन से एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टू, वी कैन ऑल्सो से दैट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टू. तो चलो क्वेश्चन को मैं वापस लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह मैं टी माइनस टू कर देता हूँ प्लस वन, एक्स की जगह टी माइनस टू लिखा वो प्लस वन एज इट इज, देन एक्स प्लस टू मतलब टी का पावर सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ टी माइनस टू प्लस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, करेक्ट है? तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस टू प्लस वन मतलब टी माइनस वन इंटू टी का पावर सेवन इंटू दिस इज टी प्लस वन डी टी. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर सेवन इंटू टी स्क्वेयर माइनस वन डी टी. Therefore, I is equal to integration of t का power 9 minus t का power 7 dt. Therefore, I is equal to answer is t का power 10 divided by 10 minus t का power 8 divided by 8 plus c. अब t की जगह उसका वैल्यू रख दो बस. क्या था? t is equal to x plus 2 था. तो it is x plus 2 का power 10
डिवाइड बाय 10 माइनस x प्लस 2 का पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस सी. दैट्स ऑल. दिस द आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर 8th क्वेश्चन. आप देख सकते हो टफ है बच्चों. ऐसे ही में थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस. समझ रहा है? यस और नो? तो चलो एक काम करता हूं, मैं 5 क्वेश्चंस आपको होम एक्सरसाइज देता हूं. 5 क्वेश्चंस आज का होमवर्क देता हूं, वो आप सॉल्व करके आओ. नेक्स्ट लेक्चर में ये हम कंप्लीट करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप ही एटलीस्ट ट्राई करोगे. नहीं आया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई करके जरूर आओगे. तो होमवर्क में से फर्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क जो आज का है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डीएक्स. सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डीएक्स. थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 डीएक्स. फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स डीएक्स. फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1 डीएक्स. एक दो क्वेश्चन ट्रिकी है इसमें, एक दो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, आप ट्राई करके आना बच्चों. आंसर नहीं ला रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई जरूर करना. पांचों क्वेश्चन आपको ट्राई करके ही आना है. अब समझ रहे बच्चों? सो ये आज का होमवर्क है, ये कंप्लीट करो एंड उसके बाद ही आपको नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना है बच्चों. अंडरस्टैंडिंग दिस? धीरे 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 चीजें सिंपल होती जाएगी. समझ रहे आपको ये? सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे, एटलीस्ट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.